नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत दिवरा था। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने जो बहुत सारी योजनाओं के बारे में या कृषि क्षेत्र के जो अभी अभी जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अभी जो स्टार्टअप बनाने के लिए नई नई जो आइडियाज़ आ रही हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के तहत जो फार्मर का इनकम हम डबल करने जा रहे हैं उसके तहत सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने की अभी घोषणा की है। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या हो या फिर स्टार्टअप जो एग्री सेक्टर में आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा हो, जो अभी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई नई संधि इसमें क्षेत्र में प्राप्त हो रही है हमको, उसके बारे में आज चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि कृषि एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आज जो अनटच है, बहुत बड़ा स्कोप इस क्षेत्र में है। बहुत तो चलो शुरू करते हैं हम Part-2 वीडियो जो है कि जो 6 नए आइडियाज़ है, 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ है कृषि क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अलग अलग 12 थे उसके बारे में Part-1 में हमने 6 डिस्कस किया था, अभी Part-2 में हम 6 करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादार, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर पहली बार आप मेहमान हैं इस मेरे चैनल पे, तो आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये YouTube चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करिए। चलो हम शुरू करते हैं। अभी पहला क्षेत्र है जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है और एक दूसरा शेल्फ लाइफ है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जैसे कि फल है, सब्जियां है या बाकी के भी अभी फूल है या सब अभी जो प्रोडक्ट कृषि के आते हैं, कृषि जो उत्पाद है उसके बारे में एक सबसे बड़ी बात आती है कि उसका शेल्फ लाइफ जो होता है वो कम होता है। तो जैसे कि फल है, सब्जियां जल्दी ख़राब होती है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में अपॉर्चुनिटी अभी भी आज बरकरार है, क्योंकि आज भी इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ नहीं है। तो इसके बारे में आप ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बारे में भी आप कर सकते हैं और शेल्फ लाइफ में भी आप एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई है और उसके भी इसमें भी आप काम कर सकते हैं। जो दूसरा है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू टेस्ट द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, जो फ्रूट्स में या सब्जियों में आजकल मिलावट बहुत आती है। ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक है वो फ्रूट हमको नहीं मिलता, तो ये जो मिलावट है वो मिलावट टेस्ट करने के लिए आज भी मार्केट में कुछ अवेलेबल ऐसे मशीन्स या कुछ तंत्र नहीं है। तो अगर आप ये क्षेत्र में आते हैं ये अडल्ट्रेशन टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर आप कुछ मशीन बनाते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, तो इसके बारे में बहुत बड़ा आज स्कोप मार्केट में है। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है अपना, तो आप इसमें ये बिजनेस स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। आप अगर आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसमें भी आप अगर ये लेके गए आइडियाज़ तो उसमें भी बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में हो सकता है। ये दूसरा आइडिया है। तीसरा है वो वन स्टॉप शॉप जो कंसेप्ट है, क्योंकि वन स्टॉप मतलब एक जगह ही आपको जो सर्टिफाइड सीड होता है, फर्टिलाइज़र होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं कृषि के यंत्र तंत्र, तो उसके लिए अगर गाइडेंस सेंटर, कंसल्टेंसी, ये सब एक जगह आपने चालू किया तो एक बड़ा क्षेत्र आपके यहाँ पैदा हो सकता है। क्योंकि आज भी फार्मर को, किसान भाई को, अगर हम कुछ ये चीज़ें एक जगह नहीं दे पाते, उसको हर जगह अलग अलग जगह मतलब ढूंढना पड़ता है, ये चीज़ें तो मिलती नहीं समय पे, तो परेशान हो जाता है। तो अगर ये सब एक जगह उसको मिलता है तो कंसोलिडेशन अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें तैयार हो सकता है। तो आप इसमें जा सकते हैं, आपकी कुछ कंपनी है या कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र इस क्षेत्र में भी। नंबर 4 पे है अल्टरनेट यूज़ ऑफ पैडी स्ट्रॉ। अभी पैडी स्ट्रॉ जो होते हैं, पैडी का जो मतलब जो अपना चावल होता है उसका जो बचा हुआ जो घास होता है, तो वो आजकल आपको पता है सब लोगों को दिल्ली या हरियाणा, पंजाब इस स्टेट में ये चीज़ों को अभी जला देते हैं लोग, इसको फायर कर देते हैं। तो ये जला देने से होता ऐसा है कि बहुत सारी हमारी एनवायरमेंटल समस्याएं पैदा होती है, जो बहुत सारा जो हमारा ये है एनवायरमेंट ख़राब होता है। दिल्ली को में आपने सुना होगा कि तो प्रदूषण की समस्या को अगर आपको ख़त्म करना है, प्रदूषण आपको कम करना है, तो ये चीज़ों को हमको कम करना पड़ेगा और दूसरा ज़मीन को भी नुकसान होता है इस चीज़ का। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आजकल आ गई है अपने क्षेत्र में,
तो जो चावल का जो जो बाकी बचा हुआ घास होता है उसको प्रोसेस करके कुछ उस पर आप काम कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक पे बंदी आ गई है, प्लास्टिक अभी बंद होने जा रहा है, तो उसके जगह अल्टरनेट कुछ यूज़ आप कर सकते हैं क्या, तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। ये चौथी अपॉर्चुनिटी। जो पाँचवा है, टेक्नोलॉजी टू सब्स्टिट्यूट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अभी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम किस लिए यूज़ करते हैं आप लोगों को सब पता है, क्योंकि जब ये फसल आती है तो अच्छी फसल होती है तो उस पर क्रॉप पे अटैक होता है, जो कीड़ों का अटैक होता है, तो कीड़ों का अटैक होने से होता है ऐसा है कि वो क्रॉप पूरा ख़राब हो जाता है, और इसलिए हमको पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है। पेस्टिसाइड ये पूरा विष भरे होते हैं, उसमें विष होता है, ये पॉइजन होता है, तो ऐसे होता है कि वो अगर पॉइजन उस क्रॉप में आ गया तो पूरे वो हम जब खाएंगे उसको तो वो हमारे शरीर में चला जाएगा और हमारा शरीर भी ख़राब होने जा रहा है आजकल। तो आप सब लोगों को सब पता है कि आजकल जो बीमारियाँ बढ़ रही है ऐसे पेस्टिसाइड स्प्रे वाली, जो खाकर धान खाकर या सब चीज़ें फल सब्जियां खाकर हमको ये सब चीज़ें हो रही है, तो इन चीज़ों को अगर बचना चाहिए हमको, बचना अगर हमको ज़रूरी है तो हमें पेस्टिसाइड फ्री जो फल है सब्जियां है या कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए अल्टरनेट आज कुछ भी आज हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाँच नंबर की आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनिक फूड या फिर बाकी चीज़ों में। पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए आज बायो पेस्ट जैसे जो चीज़ें हैं, बायो कंट्रोल जो हो सकता है उसके बारे में, अगर बायो कंट्रोल आपने किया तो उसके बारे में बहुत बड़ा काम इसमें हो सकता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सिक्स नंबर की अपॉर्चुनिटी, छः नंबर की, वो है एनहांसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अभी प्रोडक्टिविटी हमारी जो आजकल है एग्रीकल्चर की वो बहुत कम है। अगर हमने डेवलप्ड कंट्री का हमने सोचा, हमने विचार किया, तो उसके अगर कंपैरिजन में सोचे तो हमारे भारत देश की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत कम है। जैसे कि 30% 50% तक हमारी एग्रीकल्चर पर एकड़ या पर हेक्टर उसकी जो एवरेज आती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आती है वो कम है। तो अगर इसको बढ़ाना है हमको तो उसमें बहुत बड़ा काम करने का स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप उसमें है। तो बहुत सारे देशों में सॉइललेस मीडिया भी यूज़ करते हैं, अगर सॉइल नहीं है तो सॉइललेस मीडिया पे काम आजकल कर रहे हैं लोग, तो बहुत सारी तकनीकें इसमें आ गई है। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपॉर्चुनिटी क्षेत्र, आप अगर एक एफपीओ चलाते हैं या अगर स्टार्टअप एग्रीकल्चर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें भी है। तो दोस्तों ये छः जो हमने अभी बताई आपको अपॉर्चुनिटी दी, इसमें आप अगर आपने एक एक को लेकर अगर काम किया है तो एक एक जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें काम करने की आज बहुत आवश्यकता है, और जिन लोगों ने इसमें काम करेंगे, जो लीड लेंगे, उसमें बहुत बड़े ये काम हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। आपकी फर्टिलाइजर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो या आपकी कुछ स्टार्टअप कंपनी हो, जो कुछ हो, लेकिन आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।